इस बार गाड़ी पे जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क। गाड़ी भी देखो कैसे कैसे जाएगी, आपको सब दिखाते हैं अभी। भाई वो खड़ी है क्रूज, वो देख दिख रही है सामने। बस अभी एंटर हो जाएंगे क्रूज के अंदर। ये देखिए इस वक्त हम लोग क्रूज के अंदर हैं। ये देखिए आप, हम क्रूज के अंदर ही हैं इस वक्त, समुंदर के ऊपर। सूरत से, हजीरा से गोगा रोरो फेरी ले ली जो समुंदर के रास्ते से जाएगी। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए बढ़िया है, यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ सब गेमें लगी हुई हैं, ये देखिए। वाओ ब्यूटी, सूरत टू गोगा रोरो फेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। हम लोग भावनगर पहुंच गए। फेरी का सफर हमारा हुआ कंप्लीट, अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोगा। गोगा ब्यूटीफुल गुजरात, तभी तो कहते हैं अमिताभ बच्चन जी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। क्यों भाई, यानी कि शेर घूमता है भाई यहाँ पे। हम इस वक्त यानी कि हम लोग एंटर कर चुके हैं शेरों के इलाके में। इस वक्त हम सासन गिरी जा रहे हैं, ये देखिए रास्ते में नील गाय जा रही है। वाह ये देखो, ये स्पॉटेड डियर खड़े हैं। सांबर डियर मिल गया अभी रास्ते में ही, अभी तो हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं है अपने जो है। पूरी दिन की मेहनत के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं सिंह सदन। ये देखिए रूम कुछ हमारा इस प्रकार का है, डबल बेडरूम है, सोफा लगा हुआ है। ये होगी हमारी संपूर्ण थाली। वाओ मजा आ गया भाई, गुजराती खाना खाने वाले हैं आज, कितना मजेदार है। देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क। तो ये देखिए हम हजदेव और रोहन को। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठो उठो भाई जल्दी उठो, एशिया की लाइन देखने जाना है गिर नेशनल पार्क। 4 बज गए हैं, ठीक है। हम सोए पता कब है, 2:30 बजे। खाली 1.5 घंटे के लिए सब रखे हुए हैं, हमारे शूज़, हमारे स्लीपर्स, ये सूटकेस वगैरह। अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, तैयार होने का पूरा सामान साथ में लेके जा रहे हैं। ये देखिए थेपले हो गए, ये चक्री हो गई, बटर, ये बनाना वेफर, ये केक और ये मैगी, सब जो है ये सब लेके जा रहे हैं साथ में। एक दो दिन चलेगा, मज़ा आएगा, बाकी वहीं से ले लेंगे। पूरे 5 बज गए हैं, राइट 5 बजे हमने यहाँ से घर से निकल रहे हैं। 6 बजे रोरो फेरी पे जाना है हमको, 7 बजे रोरो फेरी चलेगी सूरत से भावनगर के लिए। बाकी आपको रास्ते में बताते हैं। रोहन क्या पहली बार जा रहा है अकेला फैमिली के बगैर हमारे साथ, फिर चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो। कितना सामान है हमारा, क्योंकि हम 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। इसमें थोड़ा गर्म कपड़े भी हैं, खाने पीने का सब सामान है, शूज़ का बैग है जो है, कुछ बैग एक्सेसरीज वगैरह जो हमारी गजट हमें चाहिए जो है, पूरा लेके जा रहे हैं साथ में। चलो हम एक बार गाड़ी पे जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क। गाड़ी भी देखो कैसे कैसे जाएगी, आपको सब दिखाते हैं अभी। चलिए जय माता दी। इस तरह से हमारी डिक्की पूरी भर गई है, अभी चलते हैं रोरो फेरी हजीरा पोर्ट। ये 4:59, 5 बजे राइट हम अपने घर से निकल रहे हैं हजीरा पोर्ट के लिए। दोस्तों जाना था बाय रोड सूरत से गिर नेशनल पार्क, जो कि रास्ता था कुछ 500-600 किलोमीटर के करीब, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से सूरत से 20-22 किलोमीटर हमारा हजीरा पोर्ट है, यहाँ से रोरो फेरी जाती है। रोरो फेरी यहाँ से 2-3 घंटे लगाती है बाय सी, समुंदर के रास्ते से होके। तो ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग पल था हमारे लिए, जो जब हमने ये टिकट बुक कराई, क्योंकि इसमें हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी भी हमारे साथ जा रही है। अब ये देखिए जो है, तो ये तो हमें हमारी गाड़ी वहाँ यूज़ करने को मिलेगी, क्योंकि अपनी गाड़ी भी मज़ा आता है। क्या है हमारा 4-5 घंटे की हमारी ड्राइविंग कम हो जाएगी, 4-5 घंटे की। आगे हम वहाँ भावनगर में उतरेंगे, वहाँ से भी 4-5 घंटे लगेंगे, 200 कुछ किलोमीटर है गिर नेशनल पार्क। टर्मिनल हजीरा, भाई वो खड़ी है क्रूज, वो देख दिख रही है सामने आना। वाओ हमारी गाड़ी क्रूज में जाएगी, ट्रक भी जाते हैं भैया इसमें, तो बसें भी जाती हैं, सब कुछ जाता है इसके अंदर, तो मोटरसाइकिल क्या सब। टिकट चेक हुई है पहले, और भैया हमें कुछ यहाँ पे बैंड पहना रहे हैं। ये
देखिए हमारे बैंड लग गया अभी जो है रोरो फेरी का। दरिया दरिया समंदर सी, कितना एक्साइटेड है सब लोग। बहुत मजा आने वाला है। वो देखिए ट्रक जा रहे हैं बड़े बड़े क्रूज के अंदर, वो देखिए सीधा। और अब सागर आता है, ये देख ले अपना जो है। आखिरकार वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था, हमारी गाड़ी क्रूज के अंदर जाने वाली है। ये देखिए अभी हम यहाँ अपना टिकट चेक कराएंगे दोबारा भैया को। इस वक्त हम लोग क्रूज के अंदर हैं, ये देखिए आप, हम क्रूज के अंदर ही हैं इस वक्त समुंदर के ऊपर। ये देखिए फिर लाइन में गाड़ियां लगी हैं यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, हवाई यात्राएं बहुत कर ली, ट्रेन की यात्रा बहुत कर ली, बाय रोड बहुत कर ली, और इस बार समुंदर की यात्रा, मजा आने वाला है। ये देखिए इस वक्त हम लोग क्रूज के अंदर ही हैं, इस तरह से गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए सब गाड़ियां लग रही हैं, कितनी बड़ी शिप है जो है इवनिंग, मुझे ट्रक भी खड़ा है, बसें भी आएंगी। ट्रक नीचे जा रहे थे हैवी लोड जो काफ़ी लोडिंग वाले हैं, ये देख लीजिए ऊपर से भी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो रही हैं। जब हम लोग आए थे हमारी गाड़ी 6 नंबर की थी, अब देखिए पूरी गाड़ियाँ भर गई हैं, हमारी MC खड़ी है, गाड़ी कर दिए लॉक और चल रहे हैं यहाँ से शिप में क्रूज में। इस प्रकार सीढ़ियाँ लगी हुई हैं अंदर। हमारा क्या है, हमने बिजनेस क्लास टिकट ली है, यहाँ पे इकोनॉमी भी थी, 200-250 रुपये का भी फ़र्क था। मैं आपको सब डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलो चलिए वेलकम। वाओ गेमिंग जोन 3 ये साइड में सबसे आगे वाला लेफ्ट हैंड पे सबसे आगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्लास बिजनेस क्लास हमने सीट नंबर खुद ही सिलेक्ट किए थे यहाँ पे जो है। अपनी सीट चेक करते हैं 8511 की। दोस्तों जंगल में जाने कितनी मेहनत कर रहे हैं, गिर नेशनल पार्क, और एक एक्सट्रीम बढ़िया तरीके से यादगार पल यादगिरी जो है। देखिए हमारे बिजनेस क्लास सीटें हैं, सामने की तरफ जो है उस तरफ अपना एग्जीक्यूटिव क्लास था जो है। ये देखिए हमने बुक किया था ऑनलाइन ही, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे बुकिंग करनी है। जो यहाँ पे सेंट्रल AC है पूरा जो है, पूरा कैबिन जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ दिखाएंगे हमें, देखेंगे क्या क्या दिखा रहे हैं। फैन लगा हुआ, यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, और इसके बाद ये देखिए चार्जिंग के पॉइंट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ ये मिरर लगा हुआ जैसे पारस भाई यहाँ पे एकदम देख रहे हैं हमें आपको। बहुत मज़ेदार है भाई, वो सामान रखने के लिए सामने डेक बना हुआ है। उधर चलते हैं बाहर ऊपर की तरफ, यहाँ भी चार्जिंग पॉइंट है, बहुत बढ़िया यार, बहुत मज़ेदार। आपको सामने भी दिखाता हूँ एग्जीक्यूटिव कैसा होता है, कुछ इस तरह का है, ये भी सेम ही है, खाली सीटों का ही फर्क है, खाली ब्लू और वहाँ पे रेड है जो है। बॉम्बे लाउंज, कैम्बे लाउंज लाउंज है यहाँ पे, अपने को मालूम नहीं था यार, अपने ये बुक कराते नहीं तो। इधर देख सोफे बैठ के जाओ सामने, जैसे मूवी नहीं होती। ओ वाह क्या बात, लॉन्च के बाहर यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा दे रखी है, ये देखिए टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पे, लेडीज जेंट्स दोनों जो है। भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, ये देखिए सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है, जगह जगह डस्टबिन पड़े हैं जगह जगह। दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस है, किसी को बोल नहीं सकते कि चुप हो जाओ, तो थोड़ा सा चला लेना। ये देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। ये हजीरा हो गया, ये हमारा सूरत हो गया, ठीक है। हमने जाना था, ये है अपना शासन गीर सोमनाथ जी जूनागढ़, ठीक है। हमने जाना था सूरत से होते हुए भरूच वडोदरा होते हुए नंद यहाँ पे, तो हमें पड़ता है ये 600-700 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो हमने यहाँ से सूरत से हजीरा से गोगा रोरो फेरी ले ली जो समुंदर के रास्ते से जाएगी, तो हमारा इसमें से 3-4 घंटे जो समुंदर में रहेंगे, और हमारी 4-5 घंटे की ड्राइविंग कम हो गई। अभी यहाँ गोगा से हमें जाना है शासन गीर, जो कि 227 किलोमीटर है, ठीक है। सोमनाथ जी 225 है, जूनागढ़ 230, हमें यहाँ जाना है, तो ये 2-4 घंटे में हम कवर कर लेंगे, तो हमें काफ़ी 2-3 घंटे हमारे बच गए हैं यहाँ से जो है। ये देख लीजिए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए बढ़िया है, यहाँ पे खेलने के लिए यहाँ सब गेमें लगी हुई हैं। ये देखिए
टैडी बियर, मेरे बच्चे होते ये पक्का खेलते हैं, तो जितने भी है ये देखिए दिन हो शुरू हो गया, निकल गया अभी ये सूरत हजीरा हमारा जो है सामने, यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। आइए आपको ये भी दिखा देते हैं, खाने पीने का पूरा इंतजाम है यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट हो गया, और रेस्टोरेंट से आपको व्यू दिखाता हूँ समुंदर का जो है, बीच का जो है। ये देखिए सनराइज होने वाला है। रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ही ऊपर जाने के लिए डेक पे जाने का रास्ता है एक, तो बाद में जाएंगे। और ये देखिए यहाँ स्लीपर क्लास, जिनके लोगों के स्लीपर रूम बुक है यहाँ पे स्टे करने के लिए, इसके अंदर है जो है। देखिए कुछ इस तरह का है पूरा डेक, सब भर गया यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है। जिस पल का इंतजार था आखिरकार सनराइज हो गया, 8 बजे का टाइम बोला था और 7:20 हो गए हैं, अभी तक चली नहीं है। बैठे हैं वेट कर रहे हैं, सनराइज हो गया, बढ़िया था, वेट कर रहे हैं। आखिरकार शिप चल पड़ी, पर आधा घंटा लेट, 30 मिनट्स लेट चली है। सीट तो बुक हो रखी है, ठीक है ना, हमें क्या टेंशन है, हमारी सीट पे कोई बैठने वाला नहीं। ऊपर चलते हैं अभी, अभी डेक पे। ये वाओ, से वाओ, ब्यूटी, अभी सुबह सुबह का एकदम शानदार और जोरदार माहौल है। ये देखिए ये हमारा सूरत शहर हो गया, हजीरा हो गया। ये देखिए ये हम ये जगह छोड़ रहे हैं अभी और आगे तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है अभी? शिप चल पड़ी, इनको नींद आ रही थी, जबरदस्ती उठा के आए, सोने नहीं आए अपने, चलते हैं ऊपर जो है डेक पे जाके एंजॉय करते हैं। पूरी रौनकें लग गई हैं, देखो कितनी पब्लिक आ गई है अभी यहाँ पे, सब में एकदम ताजगी सी आ गई एकदम चलने के बाद जो है। टू गोगा रोरो फेरी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मजेदार। देखिए कितना बढ़िया माहौल है ऊपर डेक के ऊपर, देखिए इतना बैठने की पूरी फिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, पूरा चहल पहल और मजेदार व्यू है यहाँ पे। तो पीछे अथाह समुद्र, दरिया, यहाँ ऊपर डेक पे भी छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे आप अपना फेवरेट मील, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए ये सब लाइव जैकेट पड़ी हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर, सब लिखा हुआ है, लाइव जैकेट्स पड़ी हैं इसके अंदर। लगभग हम लोग भावनगर पहुँच ही गए हैं और सब लोग देखो चले गए हैं नीचे, हम भी जा रहे हैं। एक बार फिर दिखा देते हैं, ये टैक्सी हम नीचे आ रहे हैं, ये सामने यहाँ रेस्टोरेंट है, ये गेमिंग, एंटरटेनमेंट का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है।
नमस्कार, हम लोग अभी भावनगर पहुंच गए हैं। हमारी जो क्रूज है वो रुक गई है, अभी जो है अपना वेट कर रहे हैं कि कब हमें मैसेज आएगा, तो हम यहाँ से चलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं फिर गिर नेशनल पार्क। रोरो फेरी का सफ़र हमारा हुआ कंप्लीट। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोगा पोर्ट जो भावनगर में है। हमें 4 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में। पहुँच गए गोगा। अब माहौल देखिए, और सुबह का माहौल देखिए कैसा था। ये खड़ी है हमारी रानी डार्लिंग हमारी। चलें, गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं अभी। चलो, ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें। वेलकम टू भावनगर। वाओ, व्हाट अ एक्सपीरियंस। भावनगर, ब्यूटीफुल गुजरात। तभी तो कहते हैं अमिताभ बच्चन जी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। क्यों भाई, ऐसे थोड़ी कहते हैं। गुजरात में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। गुजरात की हवा में व्यापार है साहब। अभी हम मैप फिट करेंगे गिर नेशनल पार्क का। ये मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहिए। हमें तो बहुत मजा आया। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। पता लगा ही नहीं कि हम कैसे चल रहे हैं, जो है जैसे हवाई सफर करते हैं वैसे समुद्री सफर कर रहे हैं। बहुत मजा आया जो है। आपको एक बार जरूर ट्राई करना, मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा कैसे कैसे हमने किया है। आप जरूर ट्राई करना। हमने क्या है, कोई भी रूम बुक नहीं किया, क्योंकि इस बार हम आए हैं अपना 3 जने हैं। हर बार फैमिली के साथ आते थे, इस बार 3 जन है। तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसी लोकेशन देखेंगे जो जंगल के बीचों बीच हो, जहाँ पे हम सफारी करें, फिर जंगल में हमारा रिजॉर्ट या कुछ हमारा फार्म हाउस देखते हैं, कुछ क्या बोलते हैं यार उसको, हाउस कौन सा होम स्टे होते हैं जो है वहाँ, ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग जो है, कुछ जंगल के नज़दीक हो, क्योंकि उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि हम जब सफारी करके आते हैं रात को आएंगे जाएंगे, कुछ लायन या लेपर्ड दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कई बार जो है, तो वो हम वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ट्राई करेंगे अभी, देखो बाकी हमें जो भी मिलता है रूम हम आपको दिखाएंगे, हम कहाँ रहे, कैसा रूम है, क्या रेट है, टैरिफ पूरा आपको पूरी जानकारी देंगे उसकी, क्योंकि आपको फ्यूचर में आपको भी काम आएगा। तो अभी चलते हैं, आपको बताएंगे फिर आगे। तो अभी हम लोग भावनगर पहुँच गए हैं, पर यहीं से वाइब्स देखो कितनी अच्छी आ रही है, एकदम बढ़िया से रूट, मज़ा आ रहा है यहाँ से, फीलिंग। रास्ते में छोटा सा ब्रेक लिया है, यहाँ पे इतने बढ़िया अमरूद दिख रहे हैं रेड कलर के जो है, लाल रंग के मज़ेदार, खाते हैं इसको जो है। जगह बहुत चेकिंग हो रही है, और यहाँ पे एक गन्ने की रस की शॉप मिली है, यहाँ पे अभी शुगर केन जूस पीते हैं। चलो भाई आ जाओ, उतर जाओ, थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मी है, रात को टेम्परेचर 20 करीब हो जाता है। ये लो लाइन स्टैंड, लेफ्ट हो जाओ अभी जो है। ये अमरेली शहर है, अमरेली शहर से 100 किलोमीटर रहता है गिर नेशनल पार्क। यहाँ लिखा है गुजराती में, वहाँ धीमे हाँखो एशियाई सियों ने अवर जबर विफत, यानी कि शेर घूमता है भाई यहाँ पे। हम इस वक्त यानी कि हम लोग एंटर कर चुके हैं शेरों के इलाके में। यहाँ पे देखा आपने साइन बोर्ड दिया हुआ है कि यहाँ धीरे से वाहन चलाएं, यहाँ पे क्रॉस करता है जो है लाइन। भाई हम इलाके में पहुँच गए अभी लाइन के, है ना, बिल्कुल बढ़िया है। अब फीलिंग आ रही है भाई, अभी क्या है, हम अमरेली जिला क्रॉस किया हमने, तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन वही है जो है जूनागढ़ सासन गिर जो है, और 80 किलोमीटर रह गए, और बता रहा है यहाँ से 1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने वाले हैं। जल्दी अच्छे सा रिसोर्ट या एक फार्म हाउस बुक करते हैं, वहाँ पे फिर रूम लेके आपको वहाँ का दिखा भाई। अभी यहाँ पे लिखा हुआ सारा कुछ, तलाला, जूनागढ़, सासन गिर, 51 रह गया भाई। तो हम जा रहे हैं, सामने 3 नीलगाय खड़ी है भाई, मेरी फेवरेट नीलगाय ये खड़े हैं। देखो कपास की यहाँ पे खेती है, उसमें कपास खा रही हैं, देखो ये खड़ी हैं 3 नीलगाय, वो देखिए दिख रही है आपको एकदम क्लियर, थोड़ी एनर्जी सी आ गई इनको देख के। देखो हमें कैसे देख रही है नीलगाय, मैं ट्राई करता हूँ उतर के दिखाने का, अगर ये भाग गए तो देखा जाएगा फिर, ठीक है। वो देखिए, इस वक्त हम सासन गिरी जा रहे हैं, ये देखिए रास्ते में नीलगाय जा रही हैं,
वाओ व्हाट अ ब्यूटी। देखो हमने गाड़ी रोक दी है यहाँ पे, मज़ा आ गया भाई। स्टार्टिंग हो गई नील गाय देख के, तो एकदम एनर्जी सी आ गई जो है। ये देखो ये खड़ी हैं तीन नील गाय, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई। जंगल में जाओ कभी कई बार देखने को मिलती भी नहीं है, और यहाँ देखो। चलो चलते हैं, अभी जा ही रहे थे तो पारस का थोड़ा ध्यान हुआ तो मैंने थोड़ा गाड़ी धीमी करी, इसने दूर से देख लिया कि वहाँ पे नील गाय खड़ी है तीन जो है। क्या बात है, निगाह देखो इसकी भी जो है, मजा आ गया एकदम। नींद सी आ रही थी क्यों, पूरी आंखें खुल गई यार जो है, मजा आ गया नील गाय देख के भाई। पता क्या है, जहाँ पे इन लोगों को इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमें है भाई। इतनी दूर से आते हैं इनको देखने के लिए, देख लो हम लोग, मजा आ गया पूरा एकदम। तंदुरुस्ती आ गई बॉडी में जो है अभी, हो अभी तो यार बस ध्यान रखो अभी। तभी उन्होंने बोल रखा था कि रास्ते में कभी भी लॉयन क्रॉस कर सकता है यार, जहाँ उसका फूड है वहाँ वो मिलेगा, सीधी बात है। कहाँ चुप करना, लगभग लगभग सासन गिर पहुंचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर ही रह गए यहाँ से। तो भैया अभी हम इस वक्त सासन में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ फैमिलीज पिकनिक मना रहे हैं, देखिए जंगल के अंदर। बहुत सारी फैमिलीज हैं इकट्ठी जो है, एंजॉय कर रही है जंगल के अंदर। अभी आप देखिए यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो गया, देखिए पूरा जंगल के अंदर आ गए अभी जो है। ये लैपड़ की फेवरेट जगह है, ऐसी दीवारों पे चलता है बैठता है जो है। ये फॉरेस्ट वालों की दीवारें बनाई हुई हैं जो है, पत्थर की बाउंड्री करी हुई है जंगल की जो है। ब्यूटीफुल, यहाँ पे लगता है कुछ एंट्री वेंट्री होगी। परमिट बारी, ये देखिए भाई, ये देखो जंगल की वाइब्स। हमें बाहर गेट पे बताया गया है कि यहाँ पे रुकना मना है, कभी भी किसी वक्त भी लाइन यहाँ से निकल सकता है। यहाँ देखा तो टू व्हीलर भी जा रहे हैं, क्यों यहाँ से। शिवलिंग है भाई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वाह, ये देखो ये स्पॉटेड डियर खड़े हैं। वाह, यही कॉल करें तो पता चल सकता है कि लाइन की मौजूदगी है नहीं है। सुपर डियर मिल गया अभी रास्ते में ही, अभी तो हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं है अपने जो है। भाई बहुत कुछ है इस जंगल में, वो पीछे देखो वो वहां पे स्पॉटेड डियर घूम रहा है पीछे। भाई बहुत कुछ है इस जंगल में ढूंढने वाला, अभी तो हमारी सफारी भी शुरू नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो हम पहुंच रहे हैं खाली गिर नेशनल पार्क, और देखिए भाई कैसी हैं, जबरदस्त भाई। वो जंगल की जो तीनों स्पेसीज हैं यही देखिए हमको, पहले स्पॉटेड डियर, फिर सांबर डियर, और ये देखिए नील गाय खड़ी है सामने। भाई गिर नेशनल पार्क, आई लव दिस प्लेस यार, मैं तो दीवाना हो गया अभी से ही मैं इसका दीवाना हो गया। सूखी पत्ती, हाँ अभी जिसकी ये खुराक है वो दिखना बाकी है खाली। भाई ये क्रॉसिंग देखो कैसी है, यहाँ पे कोई भी फाटक नहीं है, खाली मेरे को ट्रेन की आवाज आ रही है दूर से, मैं पहले ही रुक गया जो है। वेरावल टू दिलवाड़ा, वाह ये भी हमने देख ली ट्रेन भी यहाँ की, मजेदार भाई। फाटक के देख लो, हाँ क्रॉसिंग है ये वाली, पहले ही मैंने इसकी आवाज सुन के रुक गया। शहरों के इलाकों में ट्रेन चल रही है, देख कितनी मस्त है यार, ये ट्रेन पे जाना चाहिए कभी। क्यों तो बहुत सारे दिख रहे हैं भाई, बहुत सारे सांबर डियर दिख रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। हाँ भाई जंगल तो बहुत बड़ा है यार, तो बहुत बढ़िया जंगल है, तो खाली ये सूखा है क्योंकि यहाँ पे 3 महीने बारिश होती है और 9 महीने बिल्कुल सूखा रहता है खुश्क जो है। यहाँ पे तो सोच डियर के लिए भी कितना मुश्किल है, खाना सूखी पत्तियां खाते होंगे, हरा हरा चारा तो है ही नहीं इनके लिए यहाँ पे, पर
फिर भी इन्होंने अपना फूड चेन बनाई हुई है। की वर्डिंग थी, मैं क्या वाइल्ड बोर भी दिखेंगे, ये देखो वाइल्ड बोर दिख गए, ये देखो वाओ, देखो डिनर कर रहे हैं अपना रात का, और यहीं कहीं लेपर्ड या लायन घात लगा के बैठा हो सकता है, पर हमें यहाँ रुकने का मना करा गया है। चलते हैं आगे कि यहाँ गांव में कैसे बैठे हैं, एक लेडीज बच्चे को लेकर बैठी है, कैसे इनके घर हैं, जंगल के बीचों बीच भाई, शेरों का इलाका, लायन, एशियाटिक लायन, लेपर्ड भरे पड़े हैं यहाँ पे। अभी आपको दिखाया था मैंने वाइल्ड बोर कितने खड़े थे, वो देखो सनसेट भी हो गया, वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रिवर क्रॉसिंग ये लाइफलाइन है यहाँ की, सबको पानी पिलाती है नदियाँ ये वाली, सभी जानवर को। तो पूरी दिन की मेहनत के बाद हम लोग अभी पहुँच गए हैं सिंह सदन, जहाँ से बुकिंग होती है हमारी कल की, क्या एक्चुअली वेटिंग है सफारी जो है, अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं, अगर कंफर्म होती है ठीक तो कल शाम वाली और परसों सुबह की, और परसों शाम की तो कंफर्म है, अभी कल मॉर्निंग वाली कंफर्म देखने जा रहे हैं। एक नंबर वेटिंग है, देख रहे हैं हमें 12-13 घंटे लग गए। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं गिर नेशनल पार्क से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे, और हमने एक फार्म हाउस ट्राई किया है यहाँ पे, जिसका नाम है द लेवल, द लेवल होम। ये देखिए सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इसकी एंट्री है, रिसेप्शन अंदर है, ये देखिए। तो अंदर चलते हैं, इनके पास जानकारी लेते हैं रूम की। हम क्या थोड़ा फार्म हाउस ट्राई कर रहे हैं, इसमें क्या है एक तो जंगल जैसी फीलिंग आती है, आम के बड़े बड़े पेड़, पूरा फार्म हाउस होता है, एकदम घना होता है ये, देखो एकदम फेंसिंग भी की हुई है बाजू में, और इधर ये राइट हैंड पे ये फार्म हाउस है, ये देखिए सब इसके रूम्स हैं ये बने हुए हैं। अभी चलते हैं अंदर, पूरा देखो पूरी आम की वाड़ी है, और स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर जो है, और काठिया वाड़ी खाना खाने को मिलेगा भाई, वो तो हर जगह मिलता है यहाँ पे मज़ेदार। ये देखिए ये झूले लगे हुए हैं, पीछे स्विमिंग पूल भी दिख रहा है सामने उस तरफ। चलते हैं उतर के, इनकी कुछ एंट्री है इस प्रकार की, दिखाता हूँ। इनके पास टोटल इन्होंने बताया 10 रूम है इनके पास जो है, 4 नीचे 6 ऊपर है ना रूम, 4 नीचे 6 ऊपर 10 रूम है टोटल, बढ़िया है। ये देखिए रूम कुछ हमारा इस प्रकार का है, डबल बेडरूम है, सोफा लगा हुआ है, टीवी अलमीरा वगैरह हो गया, और सिंपल रूम है भाई, फार्म हाउस है ये। पीछे इनका वही बाड़ी दिख रही है, आम की बाड़ी जो है, सुबह दिखाऊंगा आराम से, इनकी टाइमिंग लिखे हुए हैं, सिंपल रूम है जो है, ये हमें पड़ा है 2000 रुपये में, अगर हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा अलग से। फार्म हाउस में इन्होंने हमारे लिए स्पेशल बॉन फायर का अरेंजमेंट किया है, और हमने पंजाबी गानों का अरेंजमेंट कर लिया यहाँ पे जो है, ठीक है। अभी चलते हैं डिनर करने, आपको डिनर का सेटअप दिखाते हैं जो है बढ़िया इनका फार्म हाउस का। पहले तो इनके सब अचार हो गए, हाँ एकदम काठियावाड़ी फ्लेवर सब, 6-7 तरह के, ये क्या नमक होगा, अच्छा घी है ये, वाह वाह ये मुखवास हो गया है ना, ये सैलेड हो गया, ये गरम गरम चपाती है, पराठे हैं ना ये, पराठे हैं ठीक है, और ये पापड़ हो गया, ये सेव तो बहुत फेमस है ना यहाँ की सब्जी, ये बोली हाँ 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 बहुत फेमस है यहाँ की खीर की, ये पनीर पंजाबी पंजाबी पनीर, कढ़ाई पनीर हो गया, हाँ ये बैंगन का भरता हो गया भाई, वेरी गुड। दाल हो कड़ी होगी, सॉरी ये तो गुजराती कड़ी, हाँ बहुत टेस्टी होती है ये भी, ये खिचड़ी वेरी गुड, ये दही हो गया, और ये छास, क्या बात है भाई, ये तो गिर की गाय की लग रहा है, तो मज़ेदार भाई, बनाओ प्लेट बनाओ फटाफट, अभी होगी हमारी संपूर्ण थाली, वाह मज़ा आ गया भाई, गुजराती खाना खाने वाले हैं आज, कितना मज़ेदार है देखो,
काठियावाड़ी खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यमी था। ये देखो हमने क्या हालत की है, प्लेटों की खाली कर दिए पूरे जो है। मज़ा आ गया, चलो चलते हैं। दोस्तों ये है फार्म हाउस जहाँ हम रुके हैं। अभी हमने बहुत बढ़िया डिनर किया यहाँ पे काठियावाड़ी। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और इसके बाजू में देखो सामने रोड दिख रही है आपको, जो गाड़ी जा रही है पीछे, उसके पीछे है गिर नेशनल पार्क की जो सरहद है। वो बता रहे हैं पिछले हफ्ते, ये जो गाड़ी खड़ी है ना, सॉरी एक महीना पहले यहाँ पे लायन ने, एक लायनस ने एक काऊ को किल किया है यहाँ पे, ये जगह पे जो बता रहा हूँ आपको। अभी ये देखिए ये टॉर्च मार रहे हैं, कुछ देखना चाह रहे हैं, दिखे तो अच्छा है, रात का टाइम है। क्योंकि ये बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे लेपर्ड कई बार दिखा है इस फार्म हाउस के अंदर से ही, कई बार गया है। इनकी वाड़ी बहुत लंबी है पीछे तक जो है, इन्होंने सब आम के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। चलिए ट्राई करते हैं पीछे तक।